नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। पटना के राजेंद्र नगर से दिल्ली के बीच चलने वाली क्लोन स्पेशल ट्रेन का परिचालन अब हर रोज। बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन से चलने वाली क्लोन ट्रेन 19 अक्टूबर से हर दिन चलाई जाएगी। अब तक इस गाड़ी का परिचालन हफ्ते में मात्र एक ही दिन करवाया जाता था। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने इसे प्रतिदिन चलाने का फैसला लिया है। दुर्गा पूजा की शुरुआत आज से हो गई है और दिवाली छठ को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन राजेंद्र नगर टर्मिनल पर दोपहर 3 बजे जबकि पटना जंक्शन से 3:22 पर खुलेगी। रेलवे बोर्ड के अनुसार क्लोन स्पेशल ट्रेन की शुरुआत के समय की जानकारी साझा कर दी गई है। इसके लिए अग्रिम आरक्षण अवधि 10 दिन रखी गई है। इसके ही साथ ही इसका किराया हमसफर एक्सप्रेस के समतुल्य भी रखा गया है। महागठबंधन ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। महागठबंधन ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजद की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की उपस्थिति में बदलाव का संकल्प घोषणा पत्र का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ रणदीप सिंह सुरजवाला और शक्ति सिंह गोहिल सहित महागठबंधन के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकार बनने पर किए गए कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। नेताओं ने बिहार के नीतीश सरकार पर जनहित के कामों की अनदेखी की बात भी कही है। इसके साथ ही विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था सहित सभी मोर्चों पर सरकार को विफल बताया है। तेजस्वी यादव ने दोहराया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो पहले कैबिनेट बैठक में 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का फैसला किया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने प्रदेश की नीतीश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 15 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज तक बिहार को वो विशेष राज्य दर्जा दिलवाने में विफल साबित हुए हैं। नीट परीक्षा में बिहार के पृथ्वीराज ने मारी बाजी। नीट परीक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें बिहार के पृथ्वीराज ने बाजी मारी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के पृथ्वीराज ने नीट 2020 परीक्षा में ऑल इंडिया 35वां रैंक हासिल किया है। 705 नंबर पाकर वो बिहार में टॉपर बन गए हैं। वहीं इस बार नीट की परीक्षा में शोएब आफ्ताब ने भी इतिहास रच दिया है, जिसके तहत ओडिशा के शोएब आफ्ताब को 720 में से 720 अंक मिले हैं। नीट रिजल्ट जारी करने से पहले उत्तर पुस्तिका जारी कर दी गई है। देश भर के कुल मिलाकर 15.97 लाख छात्रों ने नीट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था और 13 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी। बिहार में काबा बताने के लिए आपस में भिड़ी मैथिली और नेहा सिंह। कुछ दिनों पहले बिहार की राजनीतिक गलियारे में भोजपुरी गाने के माध्यम से मुकाबला तेज हो गया है, जहां नेहा सिंह ने कुछ दिनों पहले बिहार में राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए बिहार में काबा को लॉन्च किया था, जिसके खूब सारे सुर्खियां भी बटोरी थी। वहीं इसकी भिड़ंत में मैथिली ठाकुर भी अब कूद पड़ी है, जिसके तहत मैथिली ने बीते दिन बिहार में काबा के जवाब में एक गाना पोस्ट किया है। मैथिली ठाकुर ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर मिथिला और बदलते बिहार का जिक्र किया है। उन्होंने गाने के जरिए बताने की कोशिश की है कि मिथिला में सब कुछ है। उन्होंने बताया है कि मिथिला में दरभंगा एयरपोर्ट है तो वहीं एम्स भी बन रहा है। मैथिली ठाकुर के मुताबिक हर गाँव में सड़क और 24 घंटे बिजली है। साथ ही गाने के माध्यम से इशारों में ही नेहा सिंह राठौर पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया है, जिसके जवाब में नेहा सिंह राठौर ने भी जवाब दिया है और लिखा कि लोक कलाकारों को लोग के हितों में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। बिहार के बेटे को विदेश में मिली 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप। अररिया ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। वहीं समय के साथ ही कई छात्रों ने भी सफलता के मुकाम को हासिल किया है और समय के साथ साथ छात्रों ने सभी को गौरवान्वित भी किया है। इस बार रानीगंज के बरहरा निवासी प्रोफेसर वकील सिंह के पुत्र धर्मजीत माधव को बेल्जियम सरकार से भारतीय मुद्रा के अनुसार पीएचडी के लिए 1 करोड़ रुपए बतौर स्कॉलरशिप दिया गया है। अपने पुत्र के सफलता से धर्मजीत माधव का पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि धर्मजीत का सफर IIT रुड़की से शुरू हुआ था। मोदी के साथ साथ योगी भी आएंगे बिहार। आगामी विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, अब सभी प्रत्याशियों को चुनाव की तारीख का इंतजार है। इतना ही नहीं, चुनावी तैयारियों को लेकर जनसभाओं का आयोजन भी करवाया जा रहा है। इसके साथ ही बिहार में दोबारा से सरकार बनाने के लिए NDA भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार पहुंचने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ बिहार में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के साथ साथ जदयू कैंडिडेट के लिए भी चुनावी रैलियों का संबोधन करेंगे। भाजपा के जानकारी की माने तो योगी 20 और 21 अक्टूबर को बिहार में कुल 6 जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचने वाले हैं। ऐसा पहली बार होगा जब योगी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आने वाले हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे देवेंद्र वर्मा की। पेशे से प्रोफेसर देवेंद्र वर्मा का जन्म आज ही के दिन 1923 को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ। देवेंद्र वर्मा गौथिक साहित्य के विशेषज्ञ थे। वो विशेष रूप से द गौथिक फ्लेम के लिए जाने जाते हैं। इंग्लैंड में गौथिक उपन्यास और द एवरग्रीन ट्री ऑफ डायबोलॉजिकल नॉलेज का इतिहास रहा है और सैकड़ों गौथिक कहानियों को उपलब्ध कराने के लिए भी
उनका नाम हमेशा याद किया जाता रहा है। वर्मा ने कनाडा जाने से पहले भारत, नेपाल, सीरिया और मिस्र में पढ़ाया था, जहां वे 1963 में डलहौजी विश्वविद्यालय में व्याख्यात बने और फिर 1969 में पूर्ण प्रोफेसर बने थे। आपको बता दें, गौथिक साहित्य को पहचान देने वाले देवेंद्र वर्मा ने 24 अक्टूबर 1994 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज से नवरात्र की हुई शुरुआत, आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज से आने वाले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाएगी, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूप की पूजा अर्चना होगी। आज पहले दिन जहां माँ शैलपुत्री की पूजा हुई, वैसे ही आने वाले दिनों में अलग अलग रूप की पूजा अर्चना की जाएगी। हालांकि कोरोना के इस माहौल में इस बार दुर्गा पूजा की धूम देखने को नहीं मिली, क्योंकि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस बार पंडाल और मेले के आयोजन पर रोक लगा दिया गया है, मगर सभी लोगों को घरों में रहकर ही पूजा करने की नसीहत दी गई है। जदयू के बाद अब भाजपा से भिड़े चिराग, जदयू के बाद अब भाजपा से आर पार के मूड में चिराग नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, जहां आज तक लोजपा सिर्फ जदयू पर निशाना साधती नजर आ रही थी, मगर अब लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल यह मामला तब शुरू हुआ जब भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चिराग पासवान के नेतृत्व की लोजपा पार्टी को वोट कटवा करार कर दिया था। इस बयान को लेकर ही लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपना बयान जारी किया है, के तहत उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे बयानों की उम्मीद नहीं थी। भाजपा नेता बिहार के मुख्यमंत्री के दबाव में आकर ऐसी बातें कह रहे हैं। भाजपा नेता अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अगर फिर भी हम भाजपा को वोट कटवा लगते हैं तो भाजपा ने हमें साथ रखा ही क्यों है। बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने लॉन्च किया ई कमल न्यूज लेटर। बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने पटना में ई कमल न्यूज लेटर को जारी कर दिया है, जहां मौके पर प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार भी किया है। उन्होंने कहा कि लोग रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन रोजगार तो वही देगा जो खुद रोजगार के पहले काबिल होगा। गौर करने की बात यह है कि महागठबंधन ने शनिवार को जारी अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरियों का आवंटन करने की बात कही थी। भूपेंद्र यादव ने कहा कि जब सत्ता थी तब इन लोगों ने बिहार के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। इनके दिल में किसी के लिए दर्द नहीं है, ये सिर्फ बयान बहादुर है, सिर्फ बयान ही दे सकते हैं। नामांकन के बाद पुष्पमप्रिया चौधरी ने लोगों के साथ समीकरण होने की कही बात। पहली बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरी पुष्पमप्रिया चौधरी ने जातिवाद की राजनीति से साफ इनकार कर दिया है। बिस्वी सीट से नामांकन भरने वाली पुष्पमप्रिया चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान 2 सीट पर उतरने की वजह तो बताई ही, उन्होंने खुद को पॉलिसी मेकर भी बता दिया। उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि मेरा समीकरण लोगों का है, ना कि जाति और धर्म का। पूरे बिहार के लोग मेरे अपने हैं, मुझे उनके लिए काम करना है। नेताओं पर तंज कसते हुए प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पमप्रिया चौधरी ने कहा कि आज के नकली राजनेता अलग तरह के समीकरण की राजनीति करते आए हैं। वे राजनीति में चुनाव जीतने के लिए तमाशा करते हैं। मुझे टफ काम करना पसंद है, इसलिए बिस्वी चुना। नवीनगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ बोलने के बजाय करके दिखाने की कही बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से चुनावी प्रचार का आगाज किया था, जिसके तहत उन्होंने आज औरंगाबाद के नवीनगर विधानसभा के जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार सिंह के लिए प्रचार किया। साथ ही उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं लगातार कई जिलों में जाकर देख रहा हूं कि जनता हमारे काम से खुश है, हमें अब कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। हमने अब तक 7 निश्चय के साथ काम किया है, अगर जनता चाहेगी तो 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम करेंगे। हम काम करने में यकीन रखते हैं, केवल बयानबाजी करना विपक्ष का काम है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने अपनी माँ को याद करते हुए किया इमोशनल पोस्ट। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति आए दिन सोशल मीडिया पर सुशांत को इंसाफ दिलवाने की मांग करती रही है। साथ ही सुशांत से जुड़े यादों को भी उन्होंने अब तक साझा किया है। वहीं नवरात्र के पहले दिन उन्होंने एक बार फिर से अपनी मां और भाई को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मां, नवरात्र की संध्या पर मैं आपसे शक्ति और ज्ञान के लिए प्रार्थना करती हूं। मुझे गर्व है जिस तरह आपने हमारा पालन पोषण किया। चलिए दुर्गा पूजा की शुरुआत अपनी मां को सम्मान देते हुए शुरू करते हैं। आशा है कि यह नवरात्रि सभी को दिव्य शक्ति से भर दे। आपको बता दें, इससे पहले श्वेता ने अपने भाई को याद करते हुए एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने सुशांत के एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया था, जिसमें सुशांत भजन गाते हुए नजर आ रहे थे। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे से भिड़ेगी चेन्नई और दिल्ली की टीम। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज 2 मुकाबलों का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें 34वां मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। आपको बता दें, कोरोना के चलते इस बार आईपीएल का आयोजन भारत में नहीं बल्कि यूएई में करवाया जा रहा है। वहीं आज होने वाले मैच में ये दोनों टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। जहां एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स में युवा खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है, वहीं सीएसके में अनुभवी खिलाड़ियों की
संख्या ज्यादा देखने को मिलती है, जो इसके बाद आज यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है। आपको बता दें, इन दोनों टीमों के बीच पहले भी मैच का आयोजन करवाया जा चुका है। अंक तालिका पर जहां दिल्ली कैपिटल्स दूसरे स्थान पर है, वहीं चेन्नई की टीम 3 मैच जीतकर छठे स्थान पर पहुंच गई है। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 74 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 62,212 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 74,32,681 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 837 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,12,998 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिसके तहत ही बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। उससे मंत्रालय यह अंदाजा लगा रहा है कि शायद भारत में कोरोना का प्रभाव अपने ढाल की तरफ बढ़ने लगा है। इसके साथ ही भारत में अब तक कुल मिलाकर 65,24,596 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में केवल 7,95,087 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आने वाले नवगठित सरकार को बिहार में किन किन क्षेत्रों में बदलाव लाने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।